अभी हमारा लेफ्ट साइड में जो कवर दिख रहा है ना, ये ऑलराइट दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं मिर्जापुर के एरिया में। और मिर्जापुर का जो घर है, जहाँ पर मिर्जापुर रहते थे और जिस घर में उसने प्लानिंग किया था, जिस घर में प्लानिंग करके सिराजुद्दौला को मारा था, वो घर अभी किसी ने मतलब मिर्जापुर का जो फैमिली वगैरह, मतलब अभी के जो लोग हैं उनका मतलब परंपरा रिश्तेदार जो लोग हैं वो लोग अभी रहते हैं, इसलिए उसका अंदर जाने नहीं दिया। और ये है मस्जिद जो मिर्जापुर का अमल का है, अभी वो बंद हुआ है। मक्सद इमामिया नाम है उसका, अंदर अभी जाना बंद है, शायद नमाज भी नहीं होता। और इसके सामने जो जगह है, यहाँ पर 1100 कबर है जिसमें अंदर मिर्जापुर का खुद की कबर भी है। यहाँ पर तो इसके अंदर हम जरूर चलेंगे, 10 रुपये का टिकट है, तो चलते हैं उसके अंदर और क्या क्या है उसके अंदर आप लोगों को दिखा देंगे, ठीक है? तो चलो ये है कब्रिस्तान, ठीक है? यहाँ पर 1100 के करीब 1100 कबर है यहाँ पर, और मिर्जापुर का कबर है वो ढूंढना है हमें, ठीक है? और ढूंढेंगे ज़रूर, शायद इसके अंदर होगा, ठीक है? तो चलिए यहाँ पर पूरा जो कबर में जो जो आदमी है उन लोगों के लिए सलाम, अस्सलाम वालेकुम, यह हलाल कुबूर, ठीक है? तो ये पूरा कबर है यहाँ पर। सॉरी, मैंने पहले बोला था जो मतलब मिर्जापुर का कबर यही है, लेकिन नहीं है, ये है मुन्नी बेगम, नवाब मुन्नी बेगम का कबर है। हाँ, मिर्जापुर का बीबी जो है उनका कबर यही है, ठीक है? मिर्जापुर का बीबी नवाब मुन्नी बेगम का कबर यही है, ठीक है? तो अल्लाह उनका हिफाजत करे, जन्नत नसीब फरमाए। तो मिर्जापुर का कबर कहाँ है ढूंढते हैं, देख लो पूरा कब्रिस्तान यही है। देखो पीछे जो है ना, ये पूरा कब्रिस्तान है। यहाँ पर पूरा मिर्जापुर का जो फैमिली है, उनका जो साथी है, उनका यानी कि उनका जो कबूतर था ना, उसको भी कबर यहीं पर ही है, ठीक है? तो सारे के सारा इसे कबर एक ही जगह पे लिया हुआ था। अभी हमारा लेफ्ट साइड में जो कबर दिख रहा है ना, ये मिर्जापुर का पापा का कबर है, यहाँ पर बनाया। और मिर्जापुर का कबर जो है आगे है, मैं दिखा देता हूँ, ठीक है? तो चलते हैं, यहीं पर पूरा कब्रिस्तान है, ओके? मिर्जापुर का कबर जो है वो मेरे सामने है, देख लो। ये हमारे सामने जो है वो मिर्जापुर का कबर है, तो यही है मिर्जापुर का कबर, ठीक है? अल्लाह उनको जन्नत फरमाए, जन्नत फिरदाउस फरमाए, ठीक है? दुआ दीजिए। देखिए कौन क्या आदमी है वो हम नहीं जान सकते, ठीक है? जो भी है अल्लाह उनको हिफाजत करे, और कुछ नहीं। तो देख लो एक बार, यही है मिर्जापुर का कबर, मिर्जापुर का कबर यही है, दिखा देता। जो जो कबर दिख रहा है अब, ये उनका बेटे का कबर है, उनके बाद जो जो आया था, ठीक है? चार बेटे का कबर यहीं पर है। और जो दिखाया था मुन्नी बेगम, वो उनका तीसरे बीबी है, उनका कबर पहले मैंने दिखा दिया। तो चलिए ये है कब्रिस्तान, तो आओगे तो एक बार घूम के जाना और गाइड को पैसा मत देना, यही है मिर्जापुर का कबर, देख लेना, ठीक है? चलते हैं। राइट, तो अभी हम आ गए हैं जीवंत कबर जहाँ पर दिया था मुर्शिद कुली खां का लड़की, जो आजिम उन्निशा खां की मतलब जीवित अवस्था में था और उसको कबर दे दिया था, उसके समाधि के पास हम जाएंगे। लेकिन वहाँ पर भी फोटोज क्लिक करना मना है या वीडियो क्लिक करना मना है। तो चलिए अंदर चलते हैं और दिखाते हैं, इसका जगह देख लीजिए आप, अंदर वीडियोज करना मना है। तो ऊपर से मैं दिखा दूंगा थोड़ा सा, अगर कर सके तो। तो चलो अंदर चलते हैं, यही है एंट्री पास, यही है कबर जहाँ पर मुन्नी शाह का कबर दिया था, अजीम मुन्नी शाह का कबर दिया था, ओके? वो जीवित अवस्था में था और इसको कबर दी गया था, ठीक है? यही है उनका कबर, ठीक है? हम आ गए हैं मुन्नी शाह का कबर के पास। देखिए इसको लाइफ मतलब वो जब जिंदा था उसको भी कबर दिया गया था, उसका कारण सबको पता है, फिर भी मैं बता देता हूँ कि उनके एक लड़के का नेशा था, मतलब लड़के के बुलाता था और उनको साथ जो होता है वैसे करने के बाद उसको मार दिया जाता था, इसलिए उनको ऐसे दफन कर दिया गया, ठीक है? यही है उसके कारण, ठीक है? तो चलते ऊपर चलते देखते हैं कैसे। तो देख सकते हो ऊपर बहुत खूबसूरत लग रहा है, ठीक है? एक ही कवर है यहाँ पर और कुछ नहीं है, लेकिन कवर का जो हिस्ट्री है वो बहुत बड़ा है। देखिए ऐसे समाधि भी बना चुका है, ये जगह पूरा एक ही आदमी के लिए, मतलब एक लड़की के लिए पूरा जगह ले लिया गया है, उनको लाइफ कवर दी गई थी, ठीक है?
तो चलते हैं। यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है, जगह बहुत खूबसूरत है और यहाँ पर वीडियो करना माना है, फिर भी मैं कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के लिए, बस आप लोग सपोर्ट करते रहना, सपोर्ट करोगे इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ओके तो चलते हैं, अभी हजारद्वारी जो है मेन पॉइंट उसके तरफ बढ़ते हैं। ओके तो एंजॉय करो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और कुछ भी बोलना है तो कमेंट।